हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया है। मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई सीरीज में, एक नई उमंग के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कक्षा 9 क्लास 9th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब से आपको इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में कॉन्टिन्यूअसली कक्षा 9th यानी क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पूरे कंटेंट आप तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि 2D फिगर क्या होते हैं और उन 2D फिगर्स के बारे में सब कुछ आपने जान लिया था। जैसे आपने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में, आपने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में, आपने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, आपने पढ़ा था सर्कल के बारे में, और आपने पढ़ा था एक और शेप आई थी जिसको हमने ओवल कहा था उसके बारे में। ओवल के बारे में हमने ज्यादा जानकारी नहीं ली थी क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ये सभी के सभी 2D फिगर हैं, इनको हम पेपर पे बना सकते हैं, इनको हम होल्ड कर सकते हैं, इनको हम होल्ड नहीं कर सकते, माफी चाहता हूं, और इनको हम पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बातें करी हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मौजूद है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिक का वो पूरा का पूरा 9 कंटेंट वहां पे पड़ा हुआ है, 9 वीडियोस पड़े हुए हैं। आज हम बड़ी तेजी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कक्षा 9th क्लास 9th का ये लेक्चर, एक खूबसूरत सी शाम में खूबसूरत लेक्चर के साथ। मैं एंडी इमरान आपका फिर से स्वागत करता हूं और आइए बड़ी तेजी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए तो बच्चों, हमें पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सरफेस भी समझाएंगे, एरिया हमने आपको समझा दिया है। पिछली 9 वीडियोस में हमने एरिया को ही कवर किया था, पेरीमीटर ही देखा था, सरफेस हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि कहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो पता चला कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पढ़ाने के लिए आपको 3D फिगर्स की जानकारी होनी चाहिए। कुछ 3D फिगर्स मैं बना देता हूं। 3D फिगर्स से इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये कैसे बने, कहां से आए, इनका संपूर्ण कहानी इनकी हम यहां जानते हैं। 3D फिगर, 3D फिगर में बच्चों सबसे पहला 3D फिगर जो हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो है क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है क्यूब के बारे में, उसके बाद हम यहां पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत फ्रस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रस्टम क्लास 10th में हमसे इंट्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, खत्म नहीं हुआ। उसके बाद छठवीं शेप आती है स्फीयर, स्फीयर। सातवीं शेप आती है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन सब के बारे में हमें बारी बारी से जानकारी लेनी है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, फ्रस्टम क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर। यकीन मान लें अगर आपने इन 7 फिगर्स को अच्छे से समझ लिया, इनकी बेसिक को समझ लिया, तो इनके क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए इसमें से पहला स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। बड़ी तेजी के साथ शॉर्ट स्क्रीन लें, इन 7ों की हमें बात करनी है, टारगेट फिक्स है, इन 7ों पर हमें बात करनी है। कुछ आज हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियोज में हम कर लेंगे, मगर इन्हीं 7ों पर चर्चा करनी है। मिटा दूं, ठीक है। अब 3D फिगर में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूबॉइड।
कोई खास चीज नहीं है। क्यूबॉइड बनाना बड़ा आसान है, आप एक रेक्टेंगल बनाना जानते हैं, रेक्टेंगल बना दें। एक दूसरा रेक्टेंगल बिल्कुल हाफ में, मिड बे से आप इसको हाफ तक बना दें, फिर यहां से बना दें, फिर यहां से बना दें, ये इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें। ये जो आपकी शेप बनी, जो जिसको हमने रेक्टेंगल की सहायता से रेक्टेंगल के नाम पे बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हुए बनाया है ऐसा कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं। कितने रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं? ये बहुत ढेर सारे, ये देखें, ढेर सारे रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं, ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं। बहुत सारे रेक्टेंगल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, जब एक पाइल में, वर्टिकल पाइल में कंबाइन कर देते हैं हम इसको, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, कैसे भी करके हम जब इसको जब बना देते हैं, जोड़ देते हैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स को, तो वो हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप में आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से देखें अगर आप, तो ये बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं मेरे पास, कुछ ज्योमेट्री है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्यूबॉइड है, जस्ट देख लें इसको, सही से देख लें, ये क्यूबॉइड है। मैं बना के लाया, ऐसे डिब्बा, घर का डिब्बा पड़ा हुआ था, मम्मी से मार खा के मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है। अब आप जरा देखने की कोशिश करें इसमें कितने सारे रेक्टेंगल्स हैं। ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये एक रेक्टेंगल है। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को, ऐसे 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 ढेर सारे रेक्टेंगल्स को मैंने क्या किया है, इसमें कंबाइन कर दिया। और कैसे कंबाइन किया? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल पाइल में इसको हमने क्या करा, जोड़ दिया। और जब हमने वर्टिकल पाइल में जोड़ दिया तो हमारे सामने क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया। तो जब मैं कह सकता हूं कि क्यूबॉइड एक ऐसी ज्योमेट्री है, इट इज अ ज्योमेट्री व्हिच फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग, व्हिच फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द रेक्टेंगल इन अ वर्टिकल पाइल। एक बहुत सारे रेक्टेंगल्स को अगर हम वर्टिकल पाइल में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, एक खड़ा खड़ा, ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं, डाउन टू अप, अगर हम ढेर सारे ऐसे रख दें, एक ऐसे रख दें, एक ऐसे रख दें, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो ये एक डिब्बे की तरह आ जाएगा। ठीक है, वो घरों में हमारे कैन आता है ना, वो देखा है आपने, टीन तेल वाला, 15 किलो का, 15 लीटर का, तो वो एक क्यूबॉइड शेप में होता है। माचिस की जो डिब्बी आती है, माचिस की जो डिब्बी आती है वो एक क्यूबॉइड शेप में होती है। आपके घरों में जो सूटकेस होता है, घरों में जो आपके बॉक्स होता है, पेटी होती है, वो एक क्या कहते हैं, क्यूबॉइड शेप में होती है। और आपका एक मोबाइल आपके सबके पास होगा, ये जो मोबाइल होता है बच्चों, ये भी लगभग लगभग क्यूबॉइड शेप में ही होता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्यूबॉइड की तरह दिखती हैं। जैसे बॉक्स ले लें, मैच बॉक्स देखा होगा, माचिस की डिबिया, वो भी क्या होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबिनेशन होता है, ऑन कंबाइनिंग मैनी रेक्टेंगल्स इन अ वर्टिकल पाइल वी गेट अ 3D फिगर, वी गेट अ 3D फिगर कॉल्ड क्या, क्यूबॉइड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, और कुछ जानकारी लेते हैं बच्चों, ये जो ये है, ये इसको अपन लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, और इसको हमने नाम दिया है L। ठीक है, L, ये ध्यान से देखें, ये जो है इसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गई है इसको विड्थ बोलते हैं। ये देखें ध्यान से इधर का लेंथ, ये विड्थ, और ये हो जाएगी हाइट। अभी आप समझ लें, बेसिक समझ रहे हैं आपको, वरना आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी विड्थ और किसी को भी हाइट मानने लगेंगे। यहाँ पे हो गए बच्चों लेंथ, और ये जो हमारा दूसरा कोना है, ये वाला, ये इसको अपन V बोल देते हैं,
और ये हमारा क्या है h, हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसके पास क्या होता है, लेंथ होती है, इसके पास ब्रेथ होती है और इसके पास हाइट होती है। अब एक चीज जो मुझे बताना है वो आपको ध्यान रखना है कि ये रेक्टेंगल से आता है, रेक्टेंगल से आता है, ध्यान रखना। इसमें सब के सब क्या होते हैं, रेक्टेंगल से बने होते हैं, यानी रेक्टेंगल का लॉ जरूर से जरूर फॉलो हो सकता है, ठीक है, फॉलो हो सकता है। ध्यान से देखें, यहां से यहां तक ये जो सामने वाला फेस दिख रहा है, ये वाला, ये इसका जस्ट सामने वाला देखें, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं डायगोनल, बोलते हैं डायगोनल। मगर ये जो है ये ऐसा दिखा है, मान लो अगर हम इसकी पहली सरफेस को यहां रख दें, इसकी फर्स्ट फ्रंट वाली सरफेस को, तो यहां से यहां तक जो है ये हमारा होता है डायगोनल, ठीक है। अब अगर कोई बोल दे कि क्यूब का डायगोनल कहाँ होता है या क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से देखें, ये हमारा क्यूब है फ्रंट की तरफ, इसका हमने ये वाला कोना पकड़ लिया और इसके इस कोने से, इसके इस कोने से, जस्ट इसके इस कोने से यहां तक ये देखें, ये जो पोर्शन है इस कोने तक अगर हम इसको मिलाएं, जो कि हम कर बिल्कुल नहीं सकते, इसके इस कोने से इस कोने तक, यानी इस कोने से इस कोने तक इसको मिलाएं, तो ये होता है डायगोनल, ठीक है, ये होगा डायगोनल, ये एक डायगोनल, और इसके पास इस कोने को अगर हम इस कोने से मिलाएं तो ये होगा हमारे पास एक डायगोनल। तो इसके पास दो बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है, दो बॉडी डायगोनल हो गए, और भी हो सकते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला सकते हैं, बहुत सारे डायगोनल, दो दिखा सकता हूं आपको, ठीक है, चार क्या होते हैं कमेंट सेक्शन। फिलहाल डायगोनल से अपने को कोई काम नहीं है, इसी वजह से मैं उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डायगोनल का काम अभी आगे आएगा क्लास ट्वेल्थ में, तो हम उस पर बात कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया डायगोनल। अच्छा जरा काउंट करके बताएं इसके पास कितनी सरफेसेस होती हैं, कितनी रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। क्यूबॉइड तो हमने जान लिया, अब हमें ये जानना है कि क्यूबॉइड के पास कितनी रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। देख रहे थे काउंट करें, ये देखें पहले, पहली रेक्टेंगुलर सरफेस एक, दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस दो, इसके बाद तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस, इसके बाद चौथी रेक्टेंगुलर सरफेस, इसके बाद पांचवी रेक्टेंगुलर सरफेस और इसके बाद सिक्स्थ रेक्टेंगुलर सरफेस। तो इसके पास कितनी होती हैं जरा काउंट करें, एक इधर वाला, ये एक ऊपर वाला, एक इस साइड वाला दो, एक नीचे वाला तीन, एक इस साइड वाला चार, एक फ्रंट वाला, फ्रंट वाला पांच, और एक बैक वाला अंदर वाला ये छह। तो इट हैज सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस, इसके पास सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं, इसके पास सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। और इसमें भाई ये तो कैन है, एक बॉक्स है, तो इसमें हम तेल भर सकते हैं, अगर अंदर से इस बॉक्स लगा दिया, अंदर से ये खाली है, यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे, तो इसमें हम लिक्विड भर सकते हैं, इसमें हम लिक्विड डाल सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे, देखेंगे इसका वैल्यूम कैसे निकाला जाता है। मगर इसके पास छः रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, छः रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, समझ में आया, ठीक है। बस दो बातें ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल, ये जो क्यूबॉइड होता है ये रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन होता है, रेक्टेंगल को वर्टिकल पाइल में लगा देते हैं, रेक्टेंगल को आगे पीछे से खूब जोड़ जाड़ देते हैं, खूब ढेर सारा रेक्टेंगल एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। जैसे तुम अपने लाइब्रेरी में देखो या अपने घर में देखो, किताब के ऊपर किताब के ऊपर किताब के ऊपर किताब, वो जो लगा दिया ना, तो एक कतार क्या बन गई है, क्यूबॉइड शेप में आ गई है, ठीक है। छह सरफेसेस होती है, इंपॉर्टेंट ही है, समझ में आया, समझ में आया। बस अभी और कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है, बस इंट्रोडक्शन लेना है इसका। यस सर, समझ में आया, ठीक है। मतलब ये एक 3D फिगर होता है क्यूबॉइड, और इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, रेक्टेंगल से बना होता है, ये रेक्टेंगल से बना होता है, छह सरफेसेस होती है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, आइए इसका भाई पढ़ते हैं हम लोग, इसके भाई को पढ़ते हैं। इसका भाई क्या होता है? इसका इसी के जैसा लगने वाला एक, इसका फेरा भाई, चचेरा भाई, टों 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 टों। ये है बच्चों क्यूब। क्या है बेटा? ये क्यूब है, क्यूब है। अब इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर से बनता है। तो यहां लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग स्क्वायर, ऑन कंबाइनिंग स्क्वायर ऑन अ वर्टिकल पाइल, ऑन अ वर्टिकल पाइल वी गॉट अ थ्री डी फिगर, वी गॉट अ थ्री डी फिगर, हमें एक थ्री डी फिगर मिलेगा और ये कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड क्यूब, इसे हम क्यूब कहेंगे। जस्ट इस तरह से, इस तरह से ये देखें। अब इसकी क्वालिटी आपको इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चों? ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये अनइक्वल है। ये भी रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये अनइक्वल, ये भी इक्वल है, मतलब इसकी अनइक्वल है। और ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये रेक्टेंगल से बनता है। और यहाँ देखिए जरा, जितना ये है उतना ही ये है, 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 उतना ही है, सब बराबर हैं। तो यहाँ क्या होता है बच्चों? सब बराबर होते हैं, यानी लेंथ इक्वल होती है ब्रेथ के और विड्थ इक्वल होती है हाइट के। तो भाई साहब इसको अलग अलग नहीं लिखते, हम कहते हैं लेंथ इक्वल है बी के, बी इक्वल है एच के, तो ये हम मान लेते हैं सब मिला के ए है। और ए को कहने लगते हैं हम लोग, ए को कहने लगते हैं हम लोग एच या साइड, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। लेंथ विड्थ, लेंथ कह सकते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है एल, तो एल को हमने क्या कह दिया? ए। क्यों कह दिया? क्योंकि सब इक्वल है। ये हमारी विड्थ, यहाँ हमने क्या कह दिया? ए। ये हमारे हाइट, इसको भी हमने क्या कह दिया? ए। मेन मुद्दा यह है कि इसके पास कितनी सरफेसेस होती हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि क्यूबॉइड किससे बना है बच्चों, क्यूबॉइड किससे बना है, नोट कर लें, क्यूबॉइड बना है स्क्वायर से। बहुत ज़रूरत है इनकी हमें, क्यूबॉइड स्क्वायर से बन के आता है। कम स्क्वायर को कंबाइन करते हैं तो थ्री डी फिगर मिलता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है। और ये हमारी एज होती है, एज ऑफ क्यूब, इसको साइड को हम एज भी बोल सकते हैं, एज ऑफ क्यूब। ठीक है, ठीक है बच्चों, एज ऑफ क्यूब। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, इसके पास भी कितनी सरफेस है, काउंट करो। वन, देखो लिखा है मैंने वन वन, बहुत पहले मैंने इसको बनाया था। ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये फाइव, और ये सिक्स। तो सिक्स सरफेसेस होती हैं, इट हैज सिक्स सरफेसेस। पॉइंट टू बी नोटेड, इट हैज सिक्स, कौन से सरफेसेस? स्क्वायर वाली, ठीक है, स्क्वायर सरफेसेस। इसके पास छह स्क्वायर सरफेसेस होती हैं, बस ये इतना ध्यान रखना है, इसके पास छह स्क्वायर की सरफेस होती है। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं। क्यूब के बारे में ही इतना जानना है, इसके बारे में हमें और जानेंगे, इसके हम सरफेस एरिया को निकालेंगे, इसके हम वैल्यूम को निकालेंगे, उसका वेट करें। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारे तरीके के फिगर्स का। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ा रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, मगर मेरा अपना मानना यह है कि किसी चीज़ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। जिन बच्चों को ये आ रहा है वो वीडियो को इंटू टू की स्पीड में देख सकते हैं, इंटू टू की स्पीड में देख लें, जो उनके काम का हो वो लिख लें, वरना वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा। तो आगे आते हैं बच्चों, इसको मिटार देते हैं, थ्री डी फिगर का अगला, इसका साथी, इसका दोस्त मेरे हाथ में, आप लोगों ने देख लिया होगा, घर की मम्मी की चूड़ी चुरा के लाया था मैं, और उसमें मैंने क्या लगा दिया, ये अपना टैब लगा दिया। बहुत दिन पहले ऑफलाइन पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा बनाया था। तो अब आते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें बच्चों को। सिलेंडर बच्चों, इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जाता है, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला जाता है, दिखाते हैं।
राइट सर्कुलर सिलेंडर, या सिंपली से सिलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक निकाल दिया मैंने, देखो ऐसी चूड़ियां ली थी मैंने, ये कौन सी शेप में है जरा बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी शेप में है, ये सर्कुलर शेप में नहीं है। तो बहुत सारी सर्कुलर शेप की चूड़ियों को लेके हम क्या करते हैं, बहुत सारी सर्कुलर शेप की चूड़ियों को लेके हम ऊपर से नीचे से ऐसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत सारी चूड़ियों को मैंने क्या करा है, जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है बिल्कुल ऐसा होता है घरों में, आपके घर में जो पाइप आती है ना, पाइप, हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, तो वो जो पाइप है या गोल टाइप की जो रॉड होती है वो सब सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सब के सब सिलेंड्रिकल शेप में होती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसको 3D में इमेजिन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाने का प्रयास किया जा सकता है। यस, कुछ ऐसा ना, बहुत सारे ग्लास आते हैं ऐसे आपके घर पर, बहुत सारे ग्लास होते हैं, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है। कहाँ कॉम्बिनेशन होता है सर्कल का, वर्टिकल पाइल में, ठीक है, ऐसे नीचे से रखते जाते हैं, रखते जाते ऊपर की तरफ, और एक सिलेंडर हमें मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम मिडिल, इसका एकदम मिडिल में इसके छुआ देंगे और यहां से एक एक ऐसी लाइन खींच देंगे। ध्यान से देखना इसके पास क्या होता है, क्यों होता है, यहां देखें जरा, ये एंगल जो है ना एक 90 डिग्री का एंगल होता है, कितने का, 90 डिग्री का, चूंकि यहां 90 डिग्री का ये वाला एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है और सर्कल से बना होता है, और फिर जाके इसको हम सिलेंडर कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। 90 डिग्री एंगल होता है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिलेंडर, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहां पे ये एंगल 90 होता है और सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छी किताब है, जब आप देखेंगे तो आपको इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सिलेंडर कह देती है, NCERT मान लेती है, तो ये सिलेंडर होता है। अब एक मुद्दा यहां पे ये है बच्चों कि इसके पास कितनी सरफेसेज होती हैं, बहुत ईमानदारी से ध्यान से देखो सरफेस कितनी है। देखो एक नीचे की ये सरफेस है और ये एक सरफेस है और ये भी तो एक सरफेस है, ये वाली, ये, तो इसके पास तीन सरफेसेस होती हैं, पहली ऊपर, दूसरी नीचे और ये इधर। बच्चों ये जो सरफेस है, ये वाली, ये कौन सी सरफेस है, किस तरह की दिख रही है सरफेस, ये वाली सर्कुलर, और ये वाली जो शेप है ये किस शेप की है, सर्कुलर। तो इसके पास टू सर्कुलर सरफेस होती हैं, टू सर्कुलर सरफेस होती हैं, दो सर्कुलर सरफेस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो कर्व्ड है, मुड़ा मुड़ा है, ये मुड़ा मुड़ा है, ये मुड़ा मुड़ा, तो ये इसके पास ये तीसरी जो है वन कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस होती है, एक कर्व्ड सरफेस होती है, टू सर्कुलर सरफेसेस होती हैं, दो सर्कुलर सरफेसेस होती हैं और एक कर्व्ड सरफेस होती है, किसके पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर के पास या सिलेंडर के पास। सिलेंडर किससे बनता है, सर्कल से बनता है, सर्कल को वर्टिकल कंपाइल कर देते हैं, वर्टिकली इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, वर्टिकल पाइल में जोड़ देते हैं नीचे से ऊपर, झुक तो एक सिलेंडर बन जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे घरों में, पाइप जो ट्यूबलाइट लगी है वो, और हमारा ये जो मार्कर है हमारे हाथ में, जो पेंसिल है या जो पेन है वो, और वो हम खेलते थे ना किताब को ऐसे मोड़ देते थे तो हम सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है, मिटा दूं, ओके। तो समझ में आया सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हमने जान लिया। अब इसी से बनता है बच्चों एक हमारे पास कोन, जिसका हमारे पास ज्योमेट्री ये कुछ ऐसी आती है, ये एकदम मेरा खेलने की वजह से ऐसा हो गया है। तो यहाँ देखें, ये मैंने ये कोन देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है,
वो याद आया, वो जो आइसक्रीम खाते अपन लोग, हाँ ऐसे ऐसे खाते हैं ना, वो आइसक्रीम जो होती है जिसमें भर के दी जाती है ना, वो एक कोन होता है, कहते हैं ना एक कोन दे दे भाई आइसक्रीम वाले। तो हम बोलेंगे कोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। राइट का मतलब वर्टेक्स एंगल, इसका कितना होगा, एक 90 डिग्री। सर्कुलर का मतलब सर्कल से बना है, और कोन का मतलब तो कोन। तो जरा देखना स्टार्ट करें, पहले एकदम छोटा सा सर्किल लिया, उसको रखा, फिर छोटा सा, 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 ऐसे करते 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 छोटे सर्किल से बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल, बढ़ाते बनाते 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 हमने क्या बना दिया बच्चों, हमने एक कोन बना दिया। ये जो फिगर हमारे सामने आया ना बच्चों, उसको हम कहते हैं ए ऐसा ए ए ठैं। यहां से, जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया और इसको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। लट्टू देखा है, लट्टू? यस सर। वो एक कोन शेप में होता है, हमारी आइसक्रीम एक कोन शेप में होती है। बर्थडे वाली टोपी, टोपी टोपी टोपी, बर्थडे वाली टोपी, वो किसमें होती है बच्चों? हाँ, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, छोटे से बड़े की तरफ अगर हम सर्किल को जोड़ते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, छोटा सर्किल फिर बड़ा सर्किल, सर बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल है, छोटा सर्किल है, और उसके बाद बड़ा सर्किल है, ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास जो निकल के आएगी ज्योमेट्री, उसको हम बोलते हैं कोण। और यहाँ ये होता है 90 डिग्री, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाएगा, 90 डिग्री होता है इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ये। और ये इसकी एक्सिस होती है, ठीक ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स फ्रॉम स्मॉलर साइज, अरे समझने के लिए लिख देना यार, स्मॉलर साइज टू लार्जर साइज, ठीक है। स्मॉलर साइज से लार्जर साइज की तरफ जब हम सर्कल को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, हमें मिल जाता है। अब आइए मुद्दे की बात पे आते हैं, इसके पास कितनी सरफेसेस हैं। तो इसके पास देखो दो सरफेस है, एक इधर, ये बहुत पुराना है ये सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये है, ये मुड़ी मुड़ी है, मुड़ी 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 दो सरफेसेस होती हैं। तो इट हैज टू सरफेसेस, इनके पास कितनी सरफेस होती हैं, इनके पास दो सरफेसेस होती हैं, क्या होती हैं, दो सरफेसेस होती हैं। और इसमें एक सरफेस जो है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये देखो ये सर्किल की तरह, देखो ये होती है सर्कुलर, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस होती है। और ये हमारी होती है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, सर्कुलर सरफेस और कर्व्ड सरफेस, ठीक है, दो सरफेसेस होती है सर्कुलर और कर्व्ड। शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी है, आज हम ऐसी ही बातें करेंगे, कल हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कल वर्धन हमने पढ़ लिया है, जिन्होंने पीछे वीडियो नहीं देखा है बहुत अच्छी बात है, मत देखो, मुझे क्या करना है, नहीं देखोगे तो तुम्हारी मैथमेटिक्स सही नहीं हो पाएगी। देख लो देख लो, मुझे पता है देखते हो, नोटिफिकेशन आता है उसको छोड़ के चले जाते हो, देख लिया करो देख लिया करो, फ्रेंड्स में शेयर कर दो। आप देखें, ये मैं चुरा के बॉल लाया हूँ, पड़ी हुई थी बॉल तो मैं लेके आया हूँ चुरा के। ये जो बॉल है बच्चों, ये दिस इज अ स्फीयर। अब इसमें भी पता है, इसमें भी बनाना चाहो तो छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल फिर बड़ा सर्कल ऐसा कुछ कह सकता हूँ, बट स्फीयर यही है, ठीक है स्फीयर। और आपको पता है ये होता है स्फीयर, ध्यान रखना, इसको अपन स्फीयर नहीं कहते, ये हमारा क्या है, सर्कल, क्या है, सर्कल। और इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर हमने ऐसा बना के ऐसा बना दिया तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्फीयर। ये हमारा हो गया स्फीयर, पता है आपको, इट इज
पता नहीं कौन सा मैथ का लॉ है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ में ऐसा माना जाता है कि एक पूरा स्फीयर है ना, तो इसके पास फोर सर्कुलर सरफेसेस है। हाँ, दर्द हो रहा है। फोर सर्कुलर सरफेसेस, इसके पास फोर सर्कुलर सरफेसेस है, ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। तो फोर सर्कुलर सरफेसेस, अभी हम बात करेंगे इसकी रेडियस वगैरह की कहानी की, मगर ये हमारा क्या होता है, एक स्फीयर होता है, देख लें, और इसके पास फोर सर्कुलर सरफेस कंसीडर करी जाती है। जब भी आप सवाल लगाएंगे यही मान के चलेंगे कि आपके पास, बहुत डीप में क्या जरूरत है, इंट्रोडक्शन, फोर सर्कुलर सरफेसेस होती हैं। अब अगर इसी को हम बीच से फाड़ दें, फट गई, जादू, इसको बीच से फाड़ दिया, तो बच्चों ये बन जाता है अपना हेमिस्फीयर। क्या बन जाता है बच्चों? कटोरा। ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, नोट कर लें जल्दी से, शॉर्ट स्क्रीन ले लें। स्फीयर, स्फीयर के पास चार सर्कुलर सरफेसेस मानी जाती हैं। सर्कल की तरह दिखता है, मगर सर्कल नहीं होता, क्योंकि ये 2D है, वो 3D है। नोट कर लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा होता है भाई साहब अपना, ये जो होता है कटोरा, ये जो कटोरा होता है, ठीक है, ये जो कटोरा होता है इसको अपन बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमी माने होता है आधा, स्फीयर माने होता है गोला, ठीक है, आधो गोलू, आधा आधा रे बाबा, आधा गोला, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है। अब देखो जरा, इसके पास ये कौन सी सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, ध्यान से, अगर ये पूरा होता, ये अगर ये पूरा होता तो इसके पास कितनी मानी जाती, चार, तो आधा हुआ तो इसके पास कितनी है, दो, और इसके पास कितनी है, दो, समझाने के लिए, इसके पास कितनी है, दो, और एक सर्कल की सामने से सरफेस आ जाएगी ना, ये, तो इसके पास टोटल 3 सरफेस मानी जाती है, टोटल 3 सर्कुलर सरफेसेस होती हैं, जिनमें से अगर हम केवल कर्व्ड की बात करें, मुड़ी कितनी है, तो इसमें कर्व्ड सरफेसेस कितनी होती हैं, कर्व्ड सरफेसेस होती है बच्चों, तो कितनी कर्व्ड सरफेस है, ये आगे वाली है, मुड़ी है, आपको समझना है ना, तो 2 कर्व्ड सरफेसेस कंसीडर करी जाती हैं, वन सर्कुलर सरफेस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है ना, वन सर्कुलर सरफेस क्यों होता है, कैसे होता है, 12th बाद हायर क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। हेमिस्फीयर के पास 3 टोटल सर्कुलर सरफेसेस होती है, जिसमें से 2 मुड़ी होती हैं, 2 कर्व्ड होती हैं, 2 में रेल बनी रहती है सर, और 1 एकदम सीधी होती है, ठीक है, ये मतलब एक सर्कुलर शेप की होती है फ्रंट से, ठीक है। अच्छा, नोट कर ले जल्दी से नोट कर ले, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। इसके बाद मैं एक लाया हूँ पहिया, ठीक है, पहिया मिटार दूं, ठीक है। तो एक चीज रह गई थी, उसका भी इंट्रोडक्शन ले लें जब पढ़ ही रहे, तो इसमें 2 चीजें और हैं, एक तो अपना है फ्रस्टम, जो अपना हाई स्कूल का टॉपिक बनेगा, दूसरा है अपना रिंग, ये भी लगभग हाई स्कूल का टॉपिक बनेगा, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो फिर ले लेते हैं, ठीक है। रिंग क्या होता है बच्चों, रिंग क्या होता है, एक बड़ा सा आपके पास तवा है, वो जिस पे चाट खाते हैं ना, मान लो समोसा टिक्की बनवा के, उसको मान लो बीच से काट दिया, वो जहाँ पे चाट बना रहा था ना वो फट गया मान लो, तो बीच से ऐसे काट देगा, ठीक है, तो इधर सब भरा रहेगा ना, ठीक है, ये भरा रहेगा, भर तू ये। अब मान लो मैंने ये ऐसे, ये हमारी रिंग है, ठीक है, देख लें, ये हमारी क्या है, रिंग, ठीक है, तो रिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक,
ये होती है हमारी रिंग। ज्यादा जानकारी इस पर अभी नहीं लेनी है, हाई स्कूल में बहस करेंगे, अभी नाइन्थ का टॉपिक नहीं है। फ्रस्टम, हाँ सर ये तो हमने देखा है, मेरे घर पे ऐसा छोटा सा बाल्टा है, इसी को ऐसे कहते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चों, कोन को ना, वो जो कोन होता है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन को, ये राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन को एक के बीच से प्लेन पास करा देते हैं, ऐसा एक हॉरिजेंटल प्लेन पास करा देते हैं, ठीक है, ये इसको काट देते हैं, छुरी से काट देते हैं। देखो पूरा करके देता हूँ, मान लो ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन था, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से छुरी पास करा दी, चक्कू चला दिया, चक्कू चक्कू, तो ये बन गया हमारा फ्रस्टम, ये हो गया कोन और ये हो गया हमारा फ्रस्टम, ठीक है बच्चों। फ्रस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, वो सेखी मारने के लिए मैंने इसे बता दिया, फ्रस्टम जानते हैं, नाइन्थ में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, रिंग की और फ्रस्टम की। आपको क्या जानना है, आपको जानना है क्यूबॉइड क्या होता है, आपको जानना है क्यूब क्या होता है, आपको जानना है कोन क्या होता है, आपको जानना है सिलेंडर क्या होता है, आपको जानना है वो हेमिस्फीयर क्या होता है, और आपको जानना है स्फीयर क्या होता है, इनके पास कितनी सरफेसेस होती हैं, किसको क्या कहा जाता है, ये जानना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इसकी नोट्स बना लिए होंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इजी इसलिए लगेगा कि वो आपको दिमाग में रखना है, जैसे क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से आया है, इस जो क्यूब है वो स्क्वायर से निकल के आया है, जो आपका कोन है, जो आपका कोन है कोन, तो वो कोन जो है छोटे 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 नीचे से सर्कल रखे होते हैं, एक इमेजिनेशन ये दिमाग में रख सकते हो, दूसरा आप ले सकते हो कि ट्राइंगल से आया, ठीक है, जैसा पे आप इमेजिनेशन लेना चाहो, उसके बाद स्फीयर, उसके बाद आपका हेमिस्फीयर, ये आपको दिखते होंगे, गोला दिखता होगा, बॉल दिखती होगी, फुटबॉल दिखता होगा, वॉलीबॉल दिखता होगा, ये सब स्फीयर हैं। और जो घरों में कटोरा होता है ये क्या होता है, उसके ऊपर से अगर उसमें चावल भर दिया जाए, दाल भर दिया जाए, कुछ भी वगैरह वगैरह, तो ये क्या बन जाते हैं, हेमिस्फीयर बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इसके अच्छे से नोट्स बना ली होगी, पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पहला लेक्चर था, बेसिक था, और जिसमें हमने आपको 3D के बारे में बता दिया, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में बता दिया, कोन सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बता दिया, और अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एक करके हम बात करेंगे कि क्यूबॉइड की पूरी कहानी क्या है, फिर क्यूब की पूरी कहानी क्या है, उसके बाद राइट सर्कुलर की पूरी कहानी, उसके बाद सिलेंडर की पूरी कहानी, फिर स्फीयर की, फिर हेमिस्फीयर की, और उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एक लंबा से लंबी सीरीज चलने वाली है, एक लंबी प्लेलिस्ट होने वाली है, एक लंबा वीडियो आने वाला है, तो दिल की तमाम धड़कनों को थाम के इस सीरीज़ का इंतज़ार करें, अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं इस सीरीज़ को जो कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ आपके कोर्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।